तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से, और उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ फ्लैशबैक में, यानी कि आज से 25 से 30 साल पहले अपने कॉलेज टाइम पे। उस टाइम पे ना पढ़ाई में इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन और इतना ज़्यादा एग्रेशन देखने को नहीं मिलता था। ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी नहीं किया करते थे, बिल्कुल किया करते थे, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आज से कंपेयर करें तो बहुत कम था। जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स थे उनका फोकस होता था ग्रेजुएशन, वो टारगेट लेके चलते थे कि मुझे ग्रेजुएट होना है, क्योंकि उस समय ग्रेजुएट होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में किसी सोशल गैदरिंग के अंदर बैठे हुए हैं और अगर आपके पेरेंट्स से कोई पूछता था कि भाई आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो वो बहुत ही प्राउडली बोलते थे कि मेरा बच्चा ग्रेजुएट है। उनकी वॉइस में ना बहुत वेटेज हुआ करता था, जो कि आज कहीं ना कहीं मिसिंग है। आज आप कितना ही बड़ा अचीवमेंट क्यों ना कर लें, वो वेटेज कहीं ना कहीं पेरेंट्स मिस कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी भी यूनिवर्सिटी जाने का मौका नहीं मिला। नहीं, एक मिनट, मैं आप गलत समझ रहे हैं, मैं भी ग्रेजुएट हूँ आपको बता दूँ, लेकिन मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और कानपुर यूनिवर्सिटी एक्चुअल में उस टाइम पे कुछ भी नहीं थी, यानी कि वहाँ पे कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं चलती थी, वहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल वर्क ही हुआ करता था। और अगर आपको कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है तो आपको डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता था अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, और वहाँ से आप पढ़ाई करते थे और पास आउट होने के बाद आपको कानपुर यूनिवर्सिटी की मार्कशीट मिल जाया करती थी। और चूँकि रैंकिंग वाइज देखा जाए तो कानपुर यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी नीचे था, तो कहीं ना कहीं अगर लोगों से आप कानपुर यूनिवर्सिटी से पास होने की बात बताते थे तो लोगों की निगाहें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाया करती थी। और वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सैकड़ों वर्षों से अपना दबदबा बनाए रखी थी। क्या आपको पता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 4th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे, मद्रास, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट 23 सितंबर 1887 को सर विलियम म्योर, जो कि यूनाइटेड प्रोविजंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनकी देखरेख में बनाया गया था। और इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था विलियम एमर्सन ने, और इसका आर्किटेक्चर इजिप्ट, इंग्लैंड और इंडिया के इन्फ्लुएंस से बना है। हालांकि मैं वर्षों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को दूर से देख रहा हूँ, आसपास से निकलना भी होता है, लेकिन कभी अंदर जाने का मौका ही नहीं लगा, या यूँ कहें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और आज जब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो उन सारी चीज़ों को करीब से देखने का मौका मिल रहा है और आपको भी वर्चुअली दिखाने का मौका मिल पा रहा है। तो आज इस खूबसूरत से इमारत को हम लोग बहुत ही नज़दीक से देखेंगे, समझेंगे, पूरा कैंपस टूर करेंगे। वाकई में जब अंदर गया तो बिल्कुल मेसमराइज हो गया। इतनी खूबसूरत सी इमारत देख के लग रहा था न जाने मैं कहाँ आ गया हूँ। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। तो गाइस, फाइनली काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है साइंस फैकल्टी के अंदर एंट्री मिल पाई है, क्योंकि आपको पता ही है इधर गैंगस्टर अतीक अहमद के शूट आउट की वजह से लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी टाइट हो गया था और कहीं भी एंट्री वगैरह बिल्कुल नहीं थी, इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई थी 48 आवर्स के लिए। इधर कुछ नॉर्मल हुआ है तो आज एंट्री मिली है, तो कैंपस टूर करते हैं। हालांकि शाम हो चुकी है, क्योंकि आपको पता ही है इधर हीट स्ट्रोक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी गर्मी हो चुकी है और 45 डिग्री के आसपास यहाँ प्रयागराज में है, तो बाहर दिन में निकलना काफ़ी मुश्किल है और इसलिए शाम को निकला हूँ। हालांकि कॉलेज तो बंद हो गया, लेकिन कैंपस में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अंदर हमें देखने को मिलती हैं। और चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आप देख पा रहे इधर नेहरू साइंस सेंटर, और यहाँ पे देख पा रहे हैं फुटबॉल चल रहा है, बच्चे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स में हैं वो यहाँ पे शाम को डेली प्रैक्टिस करते हैं फुटबॉल की। यहाँ पे स्पोर्ट्स की काफ़ी फैसिलिटी है, और
इधर देख पा रहा है, एक ये कोर्ट बना हुआ है जहाँ पे आप वॉलीबॉल और बास्केटबॉल यहाँ पे खेल सकते हैं। अंदर का एटमॉस्फेयर काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चलता रहता है। तो काफ़ी बड़ा कैंपस है और इस पूरे कैंपस का टूर मैं आपको करवाने वाला हूँ। काफ़ी पेड़ पौधे यहाँ पे दिखाई देगा, काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी शांत माहौल है। जैसा कि देख पा रहे हैं ये पीछे मेन बिल्डिंग है, काफ़ी प्यारा आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि हम लोग कोई मुग़ल साम्राज्य में कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे आ चुके हैं, ऐसा देखने से लगता है। तभी हम लोग अंदर भी चलेंगे। बहुत ही बड़ा स्टेडियम है, खेलने के साथ साथ यहाँ पे मैच देखने की भी व्यवस्था है, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है। तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे मैचेस वगैरह होते हैं और क्लासरूम वगैरह समय तो बंद ही हो चुका है, सब ताले लगे हुए हैं और बाहर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट के अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। बैक साइड आ गए हैं और इधर जो है जूलॉजी डिपार्टमेंट है, जो जूलॉजी वगैरह पढ़ते हैं उनकी ये बिल्डिंग है। तो कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी यहाँ पे, ये जैसा कि देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन विज्ञान विभाग है। ये ऊपर जैसा कि देख पा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री एंड होम साइंस डिपार्टमेंट है ये। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन शांत सा माहौल है और यहाँ पे देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी सेंटर इस्टेब्लिश 1945 देख पा रहे हैं। और यहाँ पे पीछे कुछ अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, पीछे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। और ये देखिए सामने वो मेन बिल्डिंग है, कोयल की प्यारी सी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, हर तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होगी, पेड़ पौधे नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, वो सामने वहाँ पे बिल्डिंग है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। ये आपका डीन साइंस फैकल्टी है, अलग तो काफ़ी बड़ा कैंपस है और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, उनमें पढ़ाई होती है। और ये देख पा रहे हैं रसायन विज्ञान विभाग है। और ये कुछ नई बिल्डिंग सी नज़र आ रही सामने, तो
तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ फूड टेक्नोलॉजी। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है फूड टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग बनी है। इतनी अंदर तक मैं कभी आया नहीं, मतलब कैंपस के अंदर ही नहीं आया, इतनी अंदर दूर की बात है। और काफ़ी कुछ अंदर बना हुआ है, उधर सामने बोर्ड नज़र आ रहा है, फिज़िक्स डिपार्टमेंट है, फोटोग्राफी सेक्शन है। तो बहुत सारे बिल्डिंग्स है इस कैंपस में। एक बार सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, ये फोटोग्राफी सेक्शन बना हुआ है। और सामने देख पा रहे हैं ये है फिजिक्स डिपार्टमेंट। फिजिक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है ये। और इधर देख पा रहे हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी विभाग ये बिल्डिंग है। तो उस पुरानी बिल्डिंग के बीच में नए नए डिपार्टमेंट की बिल्डिंग अलग बनी हुई है, इतना कुछ मुझे भी पता नहीं था। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये सेंटर ऑफ वोकेशनल स्टडी स्किल डेवलपमेंट है। बहुत सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं। सेंटर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, इधर आप देख पा रहे हैं। तो काफ़ी राउंड मारना पड़ा, काफ़ी लंबा चलना पड़ा। और इस कैंपस के अंदर यहाँ पे जेके इंस्टीट्यूट अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो ये देख पा रहे हैं ये इंस्टीट्यूट, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है। अप्लाइड फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाई जाती है। सारे क्लासरूम वगैरह बंद हैं इसमें। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे ये भी लग रहा था कुछ इंडोर स्टेडियम टाइप का यहाँ कुछ बनाया जा रहा है। पहले तो यहाँ पे सीमेंटेड था, जब देख रहे थे बड़े सीमेंटेड था। अब यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल घास वगैरह लगाई जा रही है। तो कौन सा स्पोर्ट्स यहाँ खेला जाएगा इसका तो अभी पता नहीं है, लेकिन अभी काम चल रहा है तेज़ी से, देख पा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड बन रहा है। गणित का विभाग ही है यहाँ पे, मैथ्स पढ़ाया जाता है, ये पूरा मैथ का डिपार्टमेंट है। और पीछे यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह किया गया है। यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, घास वगैरह लगी हुई है, प्लांट्स वगैरह खूबसूरत लगे हुए हैं। लोग यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं। और यहाँ पे गौ माता और बछड़े की भी आपको पीछे दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। फव्वारा वगैरह भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो काफ़ी बड़ी सी खुली सी जगह है यहाँ पे। बिल्डिंग के अंदर नज़ारा दिखाते हैं, अंदर क्लासेस वगैरह तो बंद है। आपको अंदर दिखाता हूँ कि किस तरह से लगता है यहाँ पे देखने में। Thank you.
बार मैं आपको ऊपर भी दिखाता हूँ। और ये महात्मा गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो गैस मैंने आपको पूरा कैंपस का टूर करवा दिया है और उम्मीद कर रहे हैं आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वैसे तो आपने बहुत सारे YouTube पे साइंस फैकल्टी के ऊपर वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसे और भी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी और ब्लॉग में। आप नाइट का एक बार सीन देख लीजिए, नाइट में लाइट जब जलती है तो कितना खूबसूरत सा लगता है नज़ारा, आप देखिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।